नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों देखिए, आज हमने कितना छोटा सा एक एम्पलीफायर बनाया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सप्लाई रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपको इसका एक एम्पलीफायर बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक DTH की सप्लाई है, और DTH की सप्लाई में क्या है कि आज जो है, जैसे कि पहले हम एक 6283 का बोर्ड अलग से लगाते थे, लेकिन अब जो है IC ऑडियो बोर्ड पहले से ही सप्लाई के अंदर लगा हुआ आता है। तो वहाँ पर क्या है कि या तो यहाँ पर IC लगा दी जाती है 2025 की, और यह IC मिल जाती है आपको LM386। तो यहाँ पर दो IC मिल जाती है, तो सप्लाई आपको तो मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। और ये जो IC है, ये आपका ऑडियो का ही काम करता है। तो यहाँ पर दोनों ही इनबिल्ड है, ये अपना SMPS भी और सप्लाई, ये जो ऑडियो बोर्ड भी। अब यहाँ पर देखिए, सप्लाई जो मैंने यहाँ से 12 वोल्ट लिया, और 12 वोल्ट लेके फिर हमारा 7805 IC लगा दिया है, जो हमारा मॉड्यूल कार्ड को सप्लाई दे रहा है। ये देखिए, मॉड्यूल कार्ड पे हमारी जो प्लस जो है वो 3 नंबर से जा रही है, और फिर हमारा बीच वाला कॉमन हो गया ग्राउंडिंग पॉइंट, और फिर हमारा जो पिन नंबर 1 पे जो हमारी 12 वोल्ट जा रही है DTH सप्लाई से। और ये देखिए, ये कार्ड की जो आउटपुट है, ये हमारी देखिए यहाँ पर जा रही है। इसके अंदर सिंपल कनेक्शन है, एक साइड में आपको स्पीकर लगाने हैं, एक साइड में आपको इनपुट सप्लाई देना है जो कार्ड से हमने दे दी, और जो अपनी 12 वोल्ट है वो 7805 IC को देके हमने कार्ड को लगा दिया। तो बहुत सिंपल वायरिंग है दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमने इसको देखिए सप्लाई दिया, और ये देखिए इसका सॉन्ग भी आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर सॉन्ग को चेंज कर देता हूँ। तो इसका सॉन्ग देखिए। तो दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि हमारे किसी भी सब्सक्राइबर भाई का जो है पैसा बेकार जाए, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पे आज तक जो भी आपने वीडियो देखा है, आपको कोई भी फेक वीडियो नजर नहीं आता, और मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर भाई का किसी का भी पैसा बेकार जाए। देखिए, यहाँ पर IC लगा हुआ है LM386। तो यहाँ पर आपको इस IC का SMPS नहीं लेना है, अगर ये एम्पलीफायर आपको बनाना है। यहाँ पर आपको IC के अंदर जो ऑडियो आपको बहुत कम मिलेगी। देखिए, मैं साउंड को फुल भी कर दूंगा, तब भी इसके अंदर जो साउंड है वो ज़्यादा नहीं है। देखिए, ये फुल साउंड है इसका, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको कभी भी अगर ये SMPS लेना है, तो ये SMPS यहाँ पर जाके आप ले। और इसका एम्पलीफायर बहुत बढ़िया बनता है दोस्तों, बहुत ही कम वायरिंग के अंदर एकदम सप्लाई बन जाती है। और देखिए, सप्लाई का SMPS में क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर आपकी जो AC सप्लाई है, वो चाहे 110 आए, 150 आए, 200 आए या 250 आए, SMPS सप्लाई आपका एकदम बढ़िया वर्क करता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना।